In this example, question is, if rupees 250 is divided among Ravi, Raju and Roy. So 250 रुपीज है जिसको तीन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है, रवि, राजू एंड रॉय. रवि गेट्स टू पार्ट्स, राजू गेट थ्री पार्ट्स एंड रॉय गेट फाइव पार्ट्स. पार्ट्स पार्ट्स का मतलब होता है कोई एक पिज्जा होता है ना जैसे, तो पिज्जा के कुछ पार्ट्स मिलते हैं. तो जब भी पार्ट्स में अगर बात करी जाती है तो इसका मतलब वो क्या है, रेशियो, तीनों को प्लस करना. हाँ, वो रेशियो. तो इसका मतलब रवि को इस 250 के दो पार्ट्स मिल रहे हैं, राजू को इस 250 के टू थ्री पार्ट्स मिल रहे हैं, रॉय को 250 के तीन पार्ट्स मिल रहे हैं. तो इसका मतलब अगेन देखो मैथमेटिकल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड, टोटल पार्ट्स कितने हैं? टोटल पार्ट्स है 2 + 3 + 5, 10 पार्ट्स. और ये देखो मैथमेटिकल वर्ल्ड हुआ ना, रियल वर्ल्ड में तो हमारे पास 250 रुपीस. Is it making sense? Yes. टोटल अगर मैं बात करूं, टोटल मैथमेटिकल वर्ल्ड में 10 पार्ट्स, रियल वर्ल्ड में 250 रुपीज, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 10 पार्ट्स इज इक्वल्स टू रुपीज 250? यस, इक्वल्स टू. इसका मतलब एक 250 रुपीज थे जिनको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है. यस. क्या लॉजिक समझ में आया? यस, फ्रैक्शन. Isn't it? तो क्या मैं कह सकता हूँ वन पार्ट इज इक्वल्स टू, हमें पता ना है अभी, वो पता चलेगा ना. अरे आप बताओगे ना अगर 250 के 10 पार्ट्स. अच्छा वैसे 25 रुपीस. यस, ठीक है, मतलब 10 से. ठीक है, तो राजू को कितने मिलेंगे? राजू को मिलेंगे, हाँ दो मिलेंगे, 20 रुपए. इसको 3 से मतलब 30 हो जाएंगे, उसको 50 मिल जाएंगे. नहीं नहीं सॉरी, 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 25 से करूंगा ना. हाँ, और हाँ 25, 50 आ जाएगा. इसको 50 रुपए मिल जाएंगे, इसको 75 मिल जाएंगे, उसको उसको 125. ठीक है. यस, तो ये हो गया क्वेश्चन का लॉजिकल आंसर. अब ऐसे तो कर सकते हैं ऐसे भी, बट इसको हम स्कूल में वैसे अगर हम इन तीनों को प्लस करें तब भी वो 250 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा सही आंसर है. अब इसको हम करते कैसे हैं, देखो जब भी रेशियो दे रखा होता है ना तो इसका मतलब होता है वो पार्ट्स ही होता है, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं. रेशियो ऑफ क्या नाम था, रवि, यस, राजू एंड रॉय, यस, रॉय इक्वल्स टू 2:3:5 कॉमन. वैसे अगर हम इसकी क्या कहते हैं रेशियो की डेफिनेशन देखे तो वो रेशियो की डेफिनेशन में तो ये बताता है कि रेशियो वो होता है जो दो के बीच में वो कंपैरिजन करता है, बट यहाँ पर तो तीन लोग हैं, दो या दो से ज्यादा. ओके, मुझे दो सिर्फ नोटबुक में था, बहुत सारे भी हो सकते हैं. ठीक है, सो कॉमन फैक्टर क्या है, एक्स. कॉमन फैक्टर का मतलब जैसे आपने बताया रेशियो, तो रेशियो किसी टेबल में चलता है, तो कौन से टेबल में चल रहा है उसे कहते हैं कॉमन फैक्टर. सो आई डोंट नो कॉमन फैक्टर क्या है इस क्वेश्चन का, तो उसको हम ले लेते हैं एक्स. देयरफॉर रवि इक्वल्स टू 2x, ओके, समझ गया, राजू इक्वल्स टू 3x एंड रॉय इक्वल्स टू
5x. ओके, देखो टोटल कितना, रवि रवि को कितना मिल रहा है, 2x मिल रहा है, कितने में, 2x, 10x में से, 10 में से 10x. ओके, उसको हाँ उसको भी 10x लेंगे ना, क्योंकि सबको x x लिए, ठीक है, वन इक्वेशन बन जाएगी. क्या लॉजिक समझ में आया? यस. इस तरीके से भी कर सकते हैं, रवि इक्वल्स टू 2x आउट ऑफ 1 second, सो 2x 3x एंड 5x, तो हम इसको क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, टोटल इक्वल, yes. अभी हम रवि का नहीं निकालेंगे, टोटल का निकालेंगे, टोटल इक्वल्स टू 2x प्लस 3x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 10x. 250 इक्वल्स टू 10x, सो x इक्वल्स टू 250 अपॉन 10, x इक्वल्स टू रुपीस 25. सो अब मुझे कॉमन फैक्टर मिल गया, अब मुझे कॉमन फैक्टर मिल गया कि भाई कॉमन फैक्टर बता रहे, इस क्वेश्चन में जो टेबल चलेगा वो 25 का चलेगा. Therefore, yes. I can say Ravi will get 2 into 25 rupees, 50 rupees, rupees, percentage. Yes, rupees. Raju will get 3 into 25 rupees, 75, and Roy will get, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, rupees 125. ठीक है, ये स्कूल के लिए वर्किंग है, इम्पोर्टेंट, ठीक है, बट वो जो मैंने पहले करा था वो अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है, वैसे भी कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, बट उसको ढंग से साफ साफ लिखना पड़ेगा. बोथ वेज आर ओके. जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा तो बाद में आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो. जब भी कोई क्वेश्चन रेशियो का दे रखा होगा, रेशियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाइफ के लिए, मतलब मैथमेटिकल लाइफ के लिए बेसिकली, तो वहां पर जब भी आपको दे रखा होगा तो सबसे पहला स्टेप होता है कॉमन फैक्टर और उस चीज को x में निकालना, फिर जो भी टोटल दे रखा होगा उसकी मदद से टोटल x निकालना और फिर उसकी वैल्यू फाइंड करना. ये सिंपल स्टेप्स होते हैं जो हम यूज करते हैं रेशियो के क्वेश्चंस के लिए, रेशियोस के, ठीक है, ओके. इसको कॉपी करो, फिर इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में कर लेना, या फिर एक क्वेश्चन तो लिख ही लो. रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 1:2:3, फाइंड द एंगल्स. ठीक है, ये एक ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने ना कर रखा है, कर रखा है मैंने, मतलब ट्राई दी पेज नंबर 166 में मैंने आज करा था, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करे थे. टोटल लिखेंगे, टोटल क्या होता है एंगल्स का, टोटल क्या होता है एंगल्स का, टोटल फिर angle sum of a triangle. Okay, angle sum of a triangle is 3. अरे, इन तीनों की जो वैल्यू होगी उनका सम कितना होगा? अच्छा, इनका सम, angle sum property. What is the value of 60-60-60 equilateral triangle? तो वो तो एक एक की वैल्यू हो सकती है. हाँ. अगर मैं सबको प्लस करूंगा तो क्या आएगा? 180. तो एंगल सम कितना होता है? 180. तो टोटल कितना हो गया? 180. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना एज होमवर्क. ओके.